कार्यकर्ता मतदान केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर मंडल के जनिक्कर टोनीदेवी और कोट ग्राम केंद्रों पर कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बात कही। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर भाजपा के सबका साथ सबका विकास वाले वाक्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करे। समाज के अंतिम से अंतिम छोर तक खड़े मजबूत व्यक्ति को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पहला कदम रखते ही कहा था कि भाजपा की सरकार आम लोगों की सरकार है और सेवा करने के लिए सत्ता में आई है और वह खुद देश के प्रधान सेवक हैं। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सेवक की भावना को अपनाकर लोगों की सेवा में जुट जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार तथा प्रदेश के विकास के लिए दिए गए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का जिक्र जन जन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पहाड़ी परिवेश में जहां सड़कें ही अधिकतर यातायात का साधन है और प्रदेश के विकास के लिए सड़कों की स्थिति सुदृढ़ हो, इस जरूरत को केंद्र ने समझा था और मोदी सरकार ने प्रदेश की 63 नेशनल हाईवे 3 फोर लाइन और 6 ओवरब्रिज दिए हैं। प्रदेश में रेल नेटवर्क के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने प्रभावशाली तरीके से कार्य किया है जो अभूतपूर्व है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारों करोड़ों की योजनाएं मोदी सरकार ने प्रदेश को दी हैं। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना लागू करवा के किसानों के हितों की रक्षा भी की गई है, पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है। बैठक में प्यारेलाल शर्मा, कैप्टन रंजीत ठाकुर, पवन शर्मा, डॉक्टर रमेश आदि सहित मतदान केंद्रों के अध्यक्ष, पदाधिकारी व अन्य सदस्य मौजूद रहे।